हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग. गाइस, मैं आज बहुत जल्दी उठी हूँ. सुबह सुबह मैं शॉप पर जा रही हूँ. जल्दी मतलब रेगुलर, मतलब हमेशा तो 10-11 बजे के समथिंग जाती हूँ. आज मैं 8 बजे ही जा रही हूँ, क्योंकि एक मेरा लहंगे का ऑर्डर आया, तो मेरे को वो कंप्लीट करना है. वो मुझे जल्दी से रेडी करके देना है. और रात को हमारे यहाँ देखो बारिश हुई थी बहुत तेज, तो ठंड भी बढ़ चुकी है. तो मैंने क्या, सर्दी के कपड़े सारे पैक करके रख दिए. अब मुझे दोबारा सर्दी के कपड़े निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ठंड लग रही है बहुत तेज. तो गाइज, मैं चलती हूँ शॉप पर, बाय. अरे फोटो नहीं खींच रहा, वैसे ही देख रहा हूँ वो तुम्हें। अरे फोटो नहीं खींच रहा, वैसे ही देख रहा हूँ वो ऐसे तुम्हें। करते कैमरा साथ देख में. रहा हूँ गाइस, देखो मेरी मम्मी का 20 इंच का डोला है। जैसे इनकी तरफ मोबाइल करा ना, हाथ धोवा लिया इनने। 20 तो नहीं है यार मम्मी, ज्यादा होगा, 25-30 इंच का ही होगा। हल्का किसी को बिल्कुल। मार देना भाई साहब, दीवार में और पूजा का हाथ चमड़ा. कंपेयर करे मम्मी से, तो पूजा को तो एक घूसे मुसंड खिला दे मम्मी। गाइस भावना आज जल्दी दुकान पे चले गई थी, इसीलिए आते सो गई। देखो और अभी 2:45 हो रहे हैं और ये सो रही है। सो तो नहीं रही, अभी आँख खोली थी इसने। उठे उठे, नहीं जा रही तभी ठीक है। अभी तो आँख खोल के देखी, अब तो देख भी नहीं रही। को हाल चाल तो पूछ लें, और देख वो कैसे सो रही है। और गाइस गिटार सही हो गया, चिपक तो गया पूरी तरीके से, ये ना इधर से टूट गया था। अब मैंने इसके तार लेके आऊँगा मैं, हमारे यहाँ इसके तार नहीं मिलता, जयपुर से लेके आने पड़ेंगे। आ जा कोको, चले बाहर। गाइस, चाय नाश्ता आ चुका है. भूखे टूट गए, सुबह से भूखे हैं. कौन कौन भूखा है? मैं और गोलू भूखे बस, और सब आते हैं. खाना खा के नहीं गए थे तुम? खा खा के गए 8 बजे मेरी तो सुबह. भूखी हूँ ना. 8 बजे ही चले गए थे, क्योंकि ये ना इनके पास ऑर्डर आया था एक लहंगे का। गाइस ये देखो, मैंने रेड कलर की पत्ता गोभी डाली है इसमें, और 11 बजे ऑर्डर कंप्लीट करके भी दे दिया. गजब बात तो ये ये है. पत्ता गोभी है, जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, पर्पल कलर का पत्ता गोभी. पत्ता गोभी रेड कलर की खा जाएगी. मम्मी लाई जयपुर से, पर्पल है. पर्पल पर्पल कलर के हैं पत्ता गोभी, अलग है और स्वाद में कुछ. हवा चल रही है बहुत तेज है ना, और फूफा जी उधर है ना, पाइप फट गया हमारा, मतलब फूफा जी के पामा का पानी का, तो वो लगा रहे. दिखा ना पास, देखो कितने बड़े बड़े गुलाब आ रहे हैं. सिरो ऐसे मेरे बालों में लगाना है गुलाब का फूल. सिरो कहाँ है? गाइज मेरा फोटो शूट चल रहा है, ये देखो, ये मेरी फोटो क्लिक कर रहे हैं. मैं पोज मार रही हूँ, ये मेरा पोज चल रहा है. मैं कितनी गंदी सी हो रही हूँ और मेरा फोटो शूट कर रही है. गाइज हम लोग जा रहे हैं खेत के उस वाले पार, देखो उधर फार्म की साइड जा रहे हैं. और हम क्यों जा रहे हैं? हम जा रहे हैं उधर की बाउंड्री, मतलब डोर है ना मिट्टी की, वो टूट रही है, तो उसको मतलब सही करने जा रहे हैं. पूजा दीदी जा रही है सही करने के लिए, और ये वाले भाई साहब जा रहे हैं, और बेबी हम मेरा फोटो शूट करते करते आ रहे हैं. तो चलें, तो गाइस चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ और हमारे खेत की शेर सैर कराती हूँ. शेर एंड शेर. ओ माय गॉड, सीरो का फोटो शूट चल रहा है. देखो सीरो, देखना हलेगा नहीं बिल्कुल, फोटो क्लिक करवाएगा, देखना कते नहीं हलेगा बिल्कुल. अब लूसी का फोटो शूट चल रहा है, ये आज मुझे ऐसा लगता है कम से कम 100-200 फोटो क्लिक करके मानेंगे. लूसी पैर सीधा कर. देखो इको को तो यही काम है कि कुछ भी काम करो बिगाड़ना है इसको. मिट्टी चाट रही है, देखो मौके पे चौका लगा के. और लूसी का रास्ता बंद कर रही है भागने का, इधर से लूसी का इधर से भाग के अंदर जाती है. गाइस ये वाली देखो डोर टूट रही है, तो इसको ना बेबी कवर कर रहे हैं लकड़ी तोड़ के. अब यार मिट्टी विट्टी डाल के लटकना है सब. पूछे दे, लटक जाना, लटकना, लटक जा, लटक जा.